ईश्वरवरदान के और आज के भी संडे के ईश्वरवरदान के शेरी ने थोड़ा सहयोग कम दिया, इस कारण से आज दोनों वरदान रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो कल का ईश्वरवरदान 6 तारीख का मई का ईश्वरवरदान, परमात्मा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजों के साथ में सहयोग देना बहुत जरूरी है। वही एक स्नेह का रिटर्न है परमात्मा के प्रति। तो तन मन धन जैसे कहा जाता है, तो मनसा कहे मन, वाचा मतलब कि मुख से जो सेवा करते हैं, और धन की सेवा, तीनों चीजों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखिए परमात्मा कहते क्या इसके बारे में, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। परमात्मा ने 100 वर्ष का यज्ञ रचा हुआ है कि 100 वर्ष में मैं कलयुग को सत्युग बना दूंगा तुम्हारे द्वारा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा मतलब ब्राह्मण, ब्रह्म की 1000 भुजाएं होगी, ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मणों के द्वारा मैं युग परिवर्तन कराता हूँ, और फिर वो युग परिवर्तन जब हो जाता है तो मैं शंकर के द्वारा उसका विनाश करा देता हूँ, जो कि मिसाइल्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स के थ्रू हो जाएगा, और आपस में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो झगड़े होंगे उसके द्वारा होगा, स्व का विनाश हो जाता है। हम लोग अपना ही तथास्तु, अपना ही स्वाह कर देते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो आत्माभिमानी बन जाते हैं, ना वो अपने आप को हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई मानते हैं, तो आत्माभिमानी होकर के वो बच जाते हैं। खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन आज हम चलेंगे इन बातों के पीछे। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। परमात्मा ऊपर बोलते हैं ना, कुरान में भी लिखा है कि ऊपर लिखा जा रहा है आप क्या क्या कर रहे हो, तो ऊपर खाता है, लेकिन वो सूक्ष्म खाता है, जैसे हमारा होता है यहाँ पे स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर में सब कुछ दिखता है लेकिन उसको प्रोजेक्टर को आप टच नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से ऊपर भी सूक्ष्म वतन में स्क्रीन होती है जिसमें कि सब कुछ सूक्ष्म में लिखा जा रहा होता है। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं, मन से तन से धन से। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। मतलब कि अगर आपने बुक्स बोलना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे योग करने की जरूरत नहीं है, मुझे धन से कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, या मुझे तन से कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं, मैं बस बैठूंगा सिर्फ बोलूंगा और बाकी लोग सब करते रहेंगे। दोनों सिर्फ नहीं, तीनों चीजें होनी चाहिए। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना। कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, यानी कि आपने जाकर के सेंटर पे कुछ काम कर दिया, सेवा कर दी, या अपने घर में आपने कोई सेवा करी, नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, लोगों के साथ में मिलना, भाई बहनों के साथ में मिलना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। क्योंकि आप आपस में जब मिलते हो तो बुद्धि लगती है, तो फिर सेवाएं होती हैं, सेवा के प्लान बनते हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज सहज होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें कैसे हों, और ये एक तालमेल मिला करके चलना, ये चीज परमात्मा सिखाते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या हो गया है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, एक ही घर में, और आपस में तालमेल ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि तालमेल मिला करके चलो आपस में। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये चीजें आप सीख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेंटर की बात ना हो, आपके घर में तालमेल मिले, आपके परिवार में तालमेल मिले, आपके ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल मिले, तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। लोगों का तन मन धन लगवाना बहुत जरूरी है, सच्चे काम में, सहज काम में और राइट काम में, नहीं तो फिर गलत काम में लगवाएंगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा और बंधन और बढ़ जाएंगे और संबंध टूट जाएंगे। तो ये सारी चीजें ज्ञान की बातें परमात्मा सिखाते हैं हमें ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीख सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।